पास आओ और पास, क्योंकि जितना तुम सोचोगे तुम देख रहे हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। Because what is seeing? You're looking, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. My job? To take that most precious of gifts you give me, your attention, and use it against you. मैं यहां से इन पत्तों को फेंकने वाला हूं। तुम्हें कोई कार्ड चुन लो, ये वाला नहीं, ये सबको दिख रहा है। अब जरा गौर से देखना। बहुत जल्दी हो गया, मैं फिर से करता हूं। तुम तैयार हो? ओके। तो तुमने देख लिए? हाँ। कार्ड तुम्हें याद है? हाँ। तुम्हें वो कार्ड यहाँ दिखाई दिए? नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत गौर से देख रही हो, और मैं आप सबसे इतनी देर से क्या कह रहा था, जितनी गौर से तुम देखोगे उतना ही कम देख पाओगे। अब मेरी आंखों में देखो और सो जाओ। ओके, अब अगर तुम ये मुझसे ले सकती हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। आगे बढ़ो और ले लो, ले लो। अगर तुम अपना नाम बता दो तो तुम इसे ले सकती हो। ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, छटपटाओ, तब तक मैं जरा तुम्हारे हस्बैंड के दिमाग में नहीं। मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे बताना मत। बिल्कुल भी नहीं। बीच, कॉकटेल्स, फ्लोरिडा। देखो वो एक बिजनेस ट्रिप, मेरा मतलब वो एक तरह का बिजनेस ही है, शायद बहुत ही पुराना बिजनेस। तुम क्या बोल रहे हो मुझे? हनी, हम लोग चलते हैं। भी नहीं सकती मैक, तुम किसी औरत के बारे में सोच रहे हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे जीन जेन जैनेट। ओ, ये जैनेट कौन है? तुम जैनेट को जानती है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, है ना? तुम्हारी सिस्टर? ओ नहीं, इनकी सिस्टर। ओ माय गॉड, तुम अपने बिजनेस के लिए नहीं गए थे, तुम जैनेट के साथ गए थे, अपनी वाइफ के सिस्टर के साथ। ओके, वी नीड टू मूव ओवर हियर। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। आपकी वाइफ अभी थोड़ी नाराज है, आप चाहते हो कि ये सब भूल जाए? ठीक है, अपना वॉलेट निकालो, कम ऑन निकालो। क्या तुम सबको इसी तरह लूटते हो? नहीं, बस कुछ खास लोगों को। ये क्या है? 200 तो बहुत ही कम है, तुम जानते हो ये एक बहुत बड़ी डील है। ठीक है, बस 250 काफी है। लुटेरे आर्टिस्ट हो? हाँ बिल्कुल। ओके, और सो जाओ। अब जब मैं चुटकी बजाऊंगा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और तुम एक बात याद रखना, जब भी तुम जैनेट को देखोगे या उसके बारे में सोचोगे तो सबसे पहले तुम्हें याद आएगी मेरी, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक। और तुम नींद से जागो। अच्छा, हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हिप्नोटाइज्ड करने के लिए नहीं होते हैं। चलो अब चलते हैं। मैंने कुछ गलत किया? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। डिनर करते हैं। उसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है, चलो पहले एटीएम चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बहुत बड़ा मैजिशियन हूँ, और मैं उसे $100 दूंगा जो ये बताएगा कि ये ट्रिक मैंने कैसे की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में एक मामूली सी चम्मच है। अब देखिए, आप सभी लोग इसे बहुत गौर से देखते जाइएगा, क्योंकि मैं इस चम्मच को मोड़ने वाला हूँ अपनी दिमाग की शक्ति से। हाँ, देखा देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये देखो, देखो मुझे इसके पास क्या मिला। मेरे पास और कुछ नहीं, मुझे मेरे $100 दे दो। तुमने वादा किया था, पता है? वादा काफी अच्छा है। चलो पैसे चल गई के। शुक्रिया आपसे। ठीक लग रहा है, आर्टिस्ट लग रहा है मुझे। लेकिन मजा आया। वॉलेट, मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी,
करेगा। मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी गई है, क्या आप तैयार हैं? 1, 2, 3 दरवाजा बंद कर देता हूँ, यहाँ के लोग। मैजिशियन, यहाँ आओ। क्या? क्या? रुको। क्या? क्या हुआ? रुको। तुमने वो किया कैसे? उस टॉवर की साइड पर 7 डायमंड, ये एक सीक्रेट है, नहीं बता सकता। आ। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने टॉवर के इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए थे। कितने पैसे? 50 bucks। लेकिन सच में ये मजेदार था। थैंक यू। क्या हमेशा साथ ही होता? ये ट्रिक मैं 52 अलग तरीकों से कर सकता हूं। सारे ट्रिक तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। ओह मैजिक मैन, तुम्हारे शैम्पू की खुशबू कितनी अच्छी है। वो रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ओह माय गॉड, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो क्या? क्या तुम 45 East 7th Street? तुम फिक्र मत करो, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी नहीं है। मैं मैजिशियन हूँ, ढूंढ लूंगा। ओके, गुड नाइट। तुम सच में एक चीटर हो। डैनी, hey. क्या तुम्हें भी कार्ड मिला है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाऊँगा, चेक करूँगा, वापस आऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा। ठीक है, अंदर मत आओ। hey, डैनी, मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ, बाल अच्छे लग रहे हैं। तो तुम सच में अब तक क्या कर रही थी? मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं अब तक क्या कर रही थी डैनी, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पर तुम्हारी सारी बकवास देखी। तुम्हारी वेबसाइट भी है, अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा काम कर रही हो। ओके, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अकेले चुना गया हो, तो मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मुझे ही यहाँ बुलाया गया है। अच्छा, दरवाजा बंद है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तुम हो? रुक जाओ, देखो बताना मत। हेलेन? नहीं नहीं, हैनली। तुम्हारे कॉफी मग पर लिखा है। बताने के लिए शुक्रिया, वैसे ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस एक ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश थी सच में। मैं जे डेनियल एटलस मिलकर खुशी हुई।
मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्पेशली जब हम ये नहीं जानते कि हमें किसने यहाँ बुलाया है। रुक जाओ, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। माफ करना, हम पहले कभी मिले? इसमें दिमाग पढ़ने वाले की जरूरत नहीं है कि तुम पूरे पागल हो। ठीक है, मैं इसे अपनी तारीफ समझ, सिर्फ यही इसे तारीफ समझ सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो एक और कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए अब तुम लोग कपल नहीं रहे? कपल नहीं, हम कभी भी कपल नहीं। ये बस छोटे कपड़ों में देखा। ये बहुत अच्छी असिस्टेंट थी, पर मैं उसके लिए काफी मोटी थी। नहीं, मैंने सिर्फ एक बार उस ट्रैप डोर के उसमें कोई भी फिट नहीं, मैं काफी फिट हो गई थी। और उसने कई साल ऐसा किया। तुम्हें पता भी है उन छोटे कपड़ों में काम करना कितना मुश्किल है? नहीं, सबका ध्यान तो मुझ पर रहता था। ओ, तो इसने कभी तुम्हें स्पेशल बनने का मौका नहीं दिया, और मेरा यकीन करो कि तुम्हें सच में खास बनने का मौका मिलना चाहिए। तुम वाकई में अच्छी बातें करते हो। तुम दोनों मजे करो, मैं चलता हूँ। यकीन नहीं होता। ओके, जे डेनियल एटलस, आपने अब तक जो भी काम किए हैं मैंने वो सब देखे। मेरा मतलब कि मैं आपका अपना आइडियल मानता हूँ। तो तुम मेरे फैन हो, मिलकर खुशी हो। हाँ, वैसे मेरा नाम जैक है। ये बताओ कि तुम्हें भी ऐसा कुछ मिला है? हाँ हाँ, डेथ द हाई प्रीस्टेस और मुझे लवर। माफ करना। वोमिट। तो हम लोग यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्यों? दरवाजा बंद है। ओ, अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जो खुल नहीं सकता? ये कैसी जगह है? ओ नहीं, मैं सोचता था मेरा घर ही गंदा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है। ये क्या है? मैं नहीं जानता। इसमें लिखा क्या है? नाउ यू डोंट। किसी दूसरे के नाम से एक गुलाब। देखो ये क्या हो रहा है। ओ, जरा देखो तो। ये गैस है? घबराओ मत, ये ड्राई आइस है। कूल। क्या लगता है तुम्हें ये सब क्या है? रुक जाओ रुक जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू इतनी देर लगाने के लिए। मैं बस ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। Okay, so you're like Buddha if he wasn't so enlightened. Oh, and you're like Jesus if he was arrogant and all of his miracles were fake. Okay, lover, let's get a room. Danny, सच बताओ, क्या ये तुमने किया? नहीं, रुको, क्या तुमने? काश मैं कर पाता। कोई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा कि मैंने किया है या नहीं? Oh, oh great. यहाँ लाइट भी नहीं है। चलो जरा देखते हैं। ब्लूप्रिंट्स, ये तो कमाल का है। ये सब किसने किया होगा? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वाकई में उसे मिलना चाहती हूँ। ये एक शो है। मेरिक मक्विनी, डैनियल एटलस, हेनली रीव्स, जैक वाइल्डर, आर्थर ट्रेसलर और एमजीएम ग्रैंट प्रस्तुत करते हैं द फोर हॉर्समैन। थैंक यू। आज रात हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। और हमारी फाइनल ट्रिक में हम ऐसा कुछ करेंगे जो लास वेगास की स्टेज पे कभी किसी ने नहीं देखा। मैं तो कहूँ किसी स्टेज पर नहीं देखा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात हम एक बैंक लूटने वाले हैं। एक
एक क्राइम के लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं? One, two, three. सॉरी सर, पर यहाँ पर परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है सर, प्लीज। ओह हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। एक्चुअली आप इसे मुझे दे दीजिए, शो के बाद मैं ये वापस कर दूंगा आपको। लाइक ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि हम उसकी बैंक लूट लें? यहाँ तो बहुत से लोग बदला लेना चाहते हैं, तो हम आप में से किसी एक को चुनते हैं। मेरे साथी एक को रैंडमली चुनेंगे, ठीक है? Elvis, कैसे हो मेरे दोस्त? जैक के बॉल में छोटी बॉल से जिन पर सेक्शन नंबर लिखा है। जैक, मुझे कोई भी एक सेक्शन नंबर दो। थैंक यू। इस पर लिखा है सेक्शन बी। सेक्शन बी कहाँ है? ठीक है, वहाँ पर। आप में से ही कोई एक होगा, तैयार रहना। पता नहीं सभी लोग इतने खुश क्यों हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरिट मुझे एक बॉल दोगे प्लीज? थैंक यू मेरिट। इस पर लिखा है रो नंबर 5। ये कौन सी रो है? और हिनली प्लीज मुझे एक रैंडम सीट नंबर दोगे? लकी नंबर 13, B513, कहाँ है आप? सर प्लीज खड़े हो जाइए। ओह, तो आप वहां पर हैं। हाय, क्या आप कंफर्मेशन के लिए मुझे बताएंगे कि ये आपकी ही सीट है, B513? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब क्या आप अपना और अपने बैंक का नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम है एटीएन फोर्सियर और मेरी बैंक है क्रेडिट रिपब्लिकन डिफ पेरिस। बहुत दूर, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे थे कोई लोकल बैंक होगी, ऐसी ही कोई छोटी मोटी बैंक बिना सिक्योरिटी के। खैर कोई बात नहीं, वादा वादा है। क्या आप स्टेज पर आएंगे प्लीज, हम आपकी बैंक को लूटेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज रात यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके बिना हम सिर्फ 4 मजिशियंस थे जो अकेले काम करके कुछ पाने की, सच कहूं तो इस मुकाम पर आने की कोशिश कर रहे थे। आप शायद इन्हें जानते भी हैं, अगर नहीं तो इनका नाम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में शामिल है। ये हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं, मिस्टर आर्थर ट्रेसलर। प्लीज खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए। यहाँ ये अकेले शख्स हैं जिनके पास महारानी का सेल नंबर है। सर प्लीज प्लीज आप खड़े रहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मिस्टर ट्रेसलर के पास आए, हमने ये वादा किया था कि हम सब मिलकर मैजिक की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन सकते हैं। इसलिए हम आपको शुक्रिया करना चाहते हैं, और अगर आपने बाहर का बोर्ड देखा होगा तो हमने आपका नाम सबसे ऊपर रखा है। अगर वाकई में तुम इतनी अच्छी हो जितना तुम सोच रही हो डियर, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ है, क्यों ना आप इसे पहले देखें और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्थर ट्रेसलर। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत कीजिए दिमाग पढ़ने वाले जादूगर मेरिट मकेनी का। एटी है ना? अब जैक जिस चीज को स्टेज पर लेकर आ रहे हैं उसे हम अपनी जादुई दुनिया में टेलीपोर्शनेट हेलमेट कहते हैं। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसको पहनकर तुम दूरी और समय की सीमा को पार करके अपने बैंक पहुंच जाओगे जो 8th, 9th अराउंड दिस मैन में है। तो एक बार जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो हम इस हेलमेट के जरिए तुमसे बात कर पाएंगे। वाव, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये स्टाइल दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसे देखकर फ्रेंच लोगों को अमेरिका से ये स्टाइल सीखने का मौका मिलेगा। बताइए हेलमेट खूबसूरत है या नहीं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आइए चलिए। लेकिन जाने से पहले क्या आप इनमें से कोई एक कार्ड पिक करेंगे? कोई भी ये वाला नहीं? नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? ओके, ये वाला। अब इसे अपने सेक्शन बी के दोस्तों को दिखाइए, हमें मत दिखाइए। ओके, अब आप इस पर अपने साइन कर दीजिए, हो सके तो इंग्लिश। ठीक, शुक्रिया। बहुत अच्छे। अब इसे जेब में रख लीजिए। और अब एक छोटी सी चीज, दो एटीएन। आओ इस मजेदार मशीन पर खड़े हो जाओ और मैं जरा दूर ही खड़ा रहता हूँ। गुड लक। इस समय वेगस में रात के 11:50 बजे हैं और पेरिस में सुबह के 8:50। लगभग 10 मिनट में आपकी बैंक खुलने वाली है। 1, 2, 3। ये क्या हुआ? एटीएन, एटीएन, ये सब इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। एटीएन, मुझे वो फ्रेंच आदमी पसंद था, वो कहां गया? रुको, वो वहां है।
नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हूं डैनियल एटलस, तुम मुझे सुन पा रहे हो? एटीएन, तुम ठीक हो? ठीक है। तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? पैसा? क्या ये सब असली है? हाँ, ये लगभग 3 मिलियन यूरो हैं। यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब अपनी जेब में से साइन किया हुआ वो कार्ड और आज रात के शो का टिकट निकालो। अब ये दोनों चीजें पैसों के बीच में रख दो। अब बस छोड़ दो। अब तुम्हारे हेलमेट के साइड में एक बटन होगा। नहीं, इसे अभी मत दबाना। ये बटन एयर डक्ट को एक्टिवेट करेगा जो पेरिस को लास वेगास से जोड़ता है। ओके, ठीक है, अब तुम इसे दबा सकते हो। मेरी बात सुनो एटीएन, किसी चीज को पकड़ लो, तुम्हें थोड़ा सा वैक्यूम महसूस होगा। एक मिनट रुको। ओ नहीं, जलन रोड्स। क्या? शायद मैं ठीक से सुन नहीं पाया, तुमने मजिशियंस कहा? डिलन मजिशियंस। अभी तुम कहा? मैं आर्या में हूं और मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूं। एफबीआई, अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो, पकड़ो इन्हें। बस एक मिनट रुक जाओ, पकड़ो इन्हें जल्दी, अपनी किताब नीचे रखो। ठीक है, तुमने पकड़ लिया, जाओ वहीं रुक जाओ। ओह गॉड, अगर ऐतराज ना हो तो हमारा सामान उठा लेंगे प्लीज। लेट्स गो। लेट्स गो। बॉस प्लीज कह दीजिए ये मजाक है। पॉली के खिलाफ बयान देने के लिए मैंने विली मियर्स को पकड़ लिया है। मैं इस पूरे मामले का खुलासा करने से बस कुछ ही कदम दूर हूँ। आप टकलसन को ले लीजिए ना, वो अटलांटिक शहर में है। तो कावन को ले लीजिए, जरा देखिए वो पूरे दिन से बैठा ही रहता है। बकवास मत करो रोड्स, तुम बहुत अच्छे हो। भाड़ में जाओ, मेरे पास इस फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। इस फालतू काम से पेरिस के बैंक से 3 मिलियन उड़ा लिए। इतना पैसा चुराया? एक्चुअली 3.2। ये है कौन? Who are you? अल्मा ड्रे, इंटरपोल से। इस इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, अब और कितना बुरा होगा। डेविड कॉपरफील्ड और उसके दोस्त पहले से ही पीछे पड़े और मुझे यहाँ बुरा मत मानना। इंटरपोल के साथ? मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ एजेंट रोड्स। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। वो फ्रेंच आदमी का, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। तुमने बात भी कर ली? तुमने मेरे विटनेस से पहले बात कर ली? तुम्हारा विटनेस? लेकिन तुम तो ये केस लेना ही नहीं चाहते थे, वैसे भी वो किसी काम का नहीं। सच में? जरा बताओगी क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो मैजिक असली था। हाँ, उसे लगता है मैजिक असली था। तुम ठीक कहती हो, शायद उससे बात करना बेकार है। इंटरपोल को इतराज न हो तो मैं बात कर सकता हूँ। शुक्रिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं चुराई, समझे? मैंने पैसा वापस करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये बताओ तुमने बैंक कैसे लूटी? The bank.
I did. Fine, fantastic, you did. But since I'm new to this... क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि लास वेगास से पेरिस 3 सेकंड में तुम कैसे पहुंच गए? उस टेलीपोर्टेशन हेलमेट से। अच्छा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? शो के दौरान इसे हिप्नोटाइज किया गया था। मैंने कहा था ना, ये किसी काम का नहीं। ठीक है, मैं तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस बेवकूफ से निपटना। Hey, शो के दौरान आधी ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया गया था कि उन्हें भरोसा हो जाए कि वो सिर्फ संगीत का मजा ले रहे हैं। इसे देखो, ये अभी भी उसी दुनिया में। Hey, मेरी बात सुनो एटिनी, वहाँ से नीचे उतरो। तुम किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में नहीं हो। स्टॉप को फ्रेंच में क्या कहते हैं? स्टॉप, स्टॉप। तो फिर कब हो इसे रुकने? मैं नहीं कह सकती, इसे इसके हाल पर छोड़ना होगा, टाइम देना होगा। ठीक है, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। एक ही कमरे में इतने सारे फ्रेंच लोग। एजेंट रोड्स। हाँ। रिपोर्ट भेजने के लिए मुझे अपने बॉस से ऑर्डर मिला है, और जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होती मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें पसंद हो या ना। तो या हम मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर मेरे पूछे गए सवालों को दोबारा पूछकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं 12 घंटे की जर्नी करके आई हूँ, मैंने पूरा दिन काम किया है और उसके बाद भी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। तुम ये देखना चाहते हो कि किसे ज्यादा गुस्सा आता है? मैं वादा करती हूँ तुम हार जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन बेवकूफों में से किससे बात करना चाहोगी? इससे? डेलन, रिकॉर्ड के मुताबिक मेंटलिज्म कभी भी बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ है। ओके। इसका मतलब यह है कि ये एक साइंस नहीं है, ये बस मजे के लिए है। अच्छा। बस तुम उसकी किसी बात का भरोसा मत करना, समझ गए? आपके जो साथी बाहर खड़े हैं उनसे कहना कि मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। तो कहना क्या चाहते हो? देखो, एजेंट और उनकी वाइफ ने मिलकर एक अरेंजमेंट किया था, या शायद ना भी किया हो अगर मेरा यकीन करो तो। जैसा एजेंट फुलर ने कहा कि मेरी हर बात का भरोसा मत करना। FBI के लोग जो ड्रेस पहनते हैं ये कोई ट्रेडिशन है क्या? शर्माने की बात नहीं है एजेंट फुलर, शर्माने की बात नहीं। मैं बस मजे ले रहा था। Was this your card? No. See, I knew you weren't a queen of hearts, lady, and I respect that. The trick usually works better when I'm not strapped in here, but I understand protocol. Okay, okay. ठीक है, तो अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हारा कार्ड उस वॉल्ट में कैसे पहुंचा? वो कार्ड बताता हूँ। आजकल उसे बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, याद आया, मैजिक से। जो पूछा जाए उसका। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम इसे रख सकती हो, बस उसे मत देना। इसमें लिखा है कि तुम एक मेंटलिस्ट हो, तो मुझे बताओगे कि ये मेंटलिज्म होता क्या है? ज्यादातर ट्रिक्स, थोड़ी सी साइंस, अंदाजा लगाना भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, साथ ही थोड़ा सा इंट्यूशन, और कभी कभी मेरे दिमाग में जो आवाजें हैं। इसमें ये भी लिखा है कि एक समय में तुम बहुत ज्यादा फेमस थे, तुम फोन पर भी लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते थे, कुछ सालों तक पूरे US में बड़े बड़े टूर्स, 2 TV शोज। बहुत अच्छे दिन थे। उसके बाद तुम्हारा भाई कम मैनेजर तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई लेकर भाग गया। तुमने सच में रिसर्च किया? IRS ऑडिट, सारे टैक्सेस, तुमने लोगों की नजरों में आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, वैसे ही कह रहे हो ना मिस्टर मैकिनी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम जो ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हो मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जब वो पेरिस का आदमी मैजिकल हेलमेट पहने हुए मेरे सामने आया। तुमने बैंक नहीं लूटी फिर भी इसके बारे में जानते जरूर हो, जो तुम्हें क्रिमिनल बनाने के लिए काफी है। तो अगर तुम आज यहाँ से जाना चाहते हो, मेरी बात सुनो, तुमको नहीं लगता कि यहाँ नेवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है जो इस मामले को सुलझाने के लिए जूरी के सामने लाना चाहती है? तब बात करेंगे एजेंट रोड्स, तुम इस दिन के लिए तैयार रहना। ये तुम दोनों की पहली डेट है क्या? नहीं, मेरा मतलब जाहिर है तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, शायद जानते भी हो लेकिन यहाँ इस कमरे में थोड़ी सी टेंशन लग रही है। इससे पहले तुम दोनों करीब आओ, मेरी एक बात पर तुम गौर जरूर करना, इन्होंने बहुत बड़े राज छुपा रखे हैं, और सबसे पहला राज यह है कि तुम पहली बार इस सीट पर बैठी हो, है ना? तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, तुम्हारे लिए यह पता लगाने का एक अजीब तरीका है। जानते हो, लगता है मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इसका मतलब कि तुम FBI, इंटरपोल के तुम्हारे सारे दोस्त वाकई में मैजिक नाम की किसी चीज में भरोसा रखते हैं। प्रेस के सामने तुम्हें सफाई देनी होगी, और हम उससे भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे जितने आज हैं, और तुम लोग ज्यादा इडियट लगोगे जितने आज लग रहे हो। नहीं नहीं, तुम नहीं, लेकिन ये ठीक है। तुम जानते हो कि हमारे बिजनेस में क्या कहते हैं, आस्तीन में कुछ भी नहीं, और यही सच है। उसे अपने करीब लाकर छोड़ मत देना, क्योंकि ऐसा किया तो उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ वाली बात होगी। मॉमी, डैडी, लगता है डैडी के बारे में कोई बात है। देखो बहुत हो चुका। तुम्हें एक बात बताऊं, कोई भी आम थेरेपिस्ट एक सेशन के लिए $200 से $300 लेगा, लेकिन मैं सिर्फ $10 लूंगा।
ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर दया आ रही है तो अभी मैं $10 लूंगा। जानना चाहोगे तुमसे पहले इस कुर्सी पर कौन बैठा? माफिया, खूनी, चोर लोग। और जानते हो किसने उन्हें वहां बैठा है? ये आदमी जो तुम्हारे सामने बैठा है। इसीलिए मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, जितनी देर तुम अपने इस झूठे घमंड के साथ टिक सकते हो उससे कहीं ज्यादा देर मैं अपनी जिद के साथ टिक सकता हूँ। और जिस वक्त तुमने अपने खिलाफ कोई भी सबूत छोड़ा तो याद रखना मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मैं हमेशा वैसे ही नजर रखूंगा जैसे चूहे पर बिल्ली। सॉरी ये कुछ ज्यादा हो गया, अब मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम हमारा पीछा करो, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या जानते हो, हम हमेशा तुमसे एक नहीं दो नहीं पूरे 7 कदम आगे रहेंगे। और जब भी तुम्हें लगेगा तुम हमें पकड़ लोगे हम ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। इसलिए हम पर पूरी नजर रखो, क्योंकि जितना तुम पास से देखने की कोशिश करोगे उतना ही कम देख पाओगे। उस सोडा बोतल में कुछ है मिस? संभाल के, मैजिक का पहला नियम है हर जगह सबसे स्मार्ट बनकर रहो। क्या कर रहे हैं? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्होंने कहा कि वो ये काम दोबारा करने वाले हैं। आधे घंटे पहले तक तुमने उनके बारे में कुछ नहीं बताया, अब क्या हुआ? मैं उनसे मिला। इवांस, हे, मैंने ऑडियंस को ठीक से चेक किया, ज्यादातर लोग फर्जी थे। ट्रेसलर ने शो को फुल करने के लिए उनको बिठाया था, लेकिन जानते हो वहाँ पीछे बैठकर पूरे शो को कौन फिल्मा रहा था? मुझे नहीं पता। थेडियस ब्रैडली जो टीवी शोज में आता है, जिसकी डीवीडी मार्केट में मिलती है। वो मजिशियंस को सबक सिखाता है, उन्हें एक्सपोज करता है, बताता है कि उनकी ट्रिक कैसे की जाती है। उनसे बात कर, मैंने कर ली। 45 मिनट में तुम उसके साथ लंच करने वाले हो। बहुत अच्छे। मिस्टर ब्रैडली स्टार्टेड एज अ मैजिशियन, ही इज एक्चुअली क्वाइट गुड। रियली? वन ऑफ द बेस्ट। ओह, यू डोंट से। द ग्रेटेस्ट जीनियस इज इन सीइंग थ्रू द इल्यूजन। दैट्स अ मैन हु लव्स हिज वर्क। श्योर आई कैन इंटरेस्ट यू इन अ ग्लास ऑफ वाइन। ओह, नो 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 नो, थैंक यू सर, वी आर वर्किंग। आई विल टेक वन। Wow, that's incredible. That's amazing. Red dye, palmed. Is that how Jesus did it? That's incredible. अब महान मैजिशियंस में से एक थे, फिर आपने ये काम क्यों छोड़ दिया? तुम जानते हो पिछले 5 सालों में कितने लोग मैजिक परफॉर्मेंस लाइव देखने गए हैं? लगभग 1.6 million। और पता है इतने ही समय में मैंने कितनी DVDs बेची हैं? 5 million। Oh, right, so it's about the money. Well, the money is only there because the need to know is greater than the desire to be fooled. Like you, I detest those who prey upon the gullibility of the masses. With all due respect. Iski keemat bhi chukani hoti hogi. Cost? Don't know. Jaise career aur zindagi. Tum shayad Lionel Shrike ke baare mein baat kar rahi ho. Maaf kariyega, ye kaun hai? Lionel Shrike. एक आम मजिशियन था जो 30 साल पहले हडसन नदी में डूब गया था। On Mr. Bradley's first special, he revealed all of Shrike's tricks. The next year, Shrike tried to stage a comeback. He was shackled inside a safe and dropped into the river, but he never resurfaced. Oh, you mean he died? I didn't kill him. He killed himself, trying to do something he wasn't prepared to handle. You do realize this is a game. Oh, believe me, it's... not a game. It is a game. You're the game. You're being played. And your pathetic attempts at fawning to gain my trust. I mean, come on. You got me. If you really want to know how a bank in Paris was robbed from a stage in Las Vegas, my special comes out next. एक डील करते हैं। तुम अपने काम में माहिर हो। हम उस बंदे को फंसा सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो। जब भी इस तरह के खेल में मजिशियन अपना हाथ हिलाए और कहे कि ये वो जगह है जहां मैजिक हो रहा है, उस समय असली खेल तो कहीं और चल रहा होगा। गुमराह करना ये मैजिक का सबसे पहला नियम है। मुझे तुम्हारे मैजिक के नियमों में कोई दिलचस्पी नहीं, बस इतना बताओ कि उन्होंने बैंक कैसे लूटी। अगर ये सोचते हो कि उन्होंने बैंक लूटी है तो तुम बेवकूफ हो, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना। पेरिस घूमना चाहोगे? आर्मिया, जरा वो टेलीपोर्टेशन हेलमेट देना। तुम मजाक कर रहे हो ना? उन्होंने कैसे किया नहीं जानना चाहते हो? मैं आपको ये पहना देती हूँ।
इसके ऊपर खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही। अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए इसे नीचे कर देते हैं। घबराना बिल्कुल मत। हो गया। अब तुम पेरिस जाने के लिए तैयार हो। कोई भी मैजिक शब्द बोलो। आबराकडाबरा। ये तो जानता है। हैप्पी जर्नी। वैसे तुम्हें बता दूं, मैं सीढ़ियों से पेरिस पहुंचना ज्यादा पसंद करता हूं। रोशनी के शहर में स्वागत है एजेंट रोड्स। तो फिर तुमने मुझे ये हेलमेट क्यों पहनाया? मजे के लिए। क्या? कुछ नहीं। उन्होंने ये पूरी वॉल सेट की। हाँ। और ये उस फ्रेंच आदमी की बैंक की हूबहू नकल है। और ये सब उसने किया? उसने नहीं किया, उसे फंसाया गया है। वो चारों जानते थे वो किस सीट पर। नहीं, सीट तो ऑडियंस ने चुनी थी। या शायद हो सकता है ऑडियंस ने सीट ना चुनी हो। उन्होंने लोगों को सिर्फ दिखाया कि वो सीट चुन रहे हैं। अब हम एक रैंडम सीट नंबर लेंगे। वास्तव में वो बॉल्स को उन नंबर से बदल रहे थे जो वो चाहते थे। और हमें मिला है रो नंबर 5। हेले, क्या तुम मुझे एक रैंडम सीट नंबर दोगी? क्या आप कंफर्मेशन के लिए बताएंगे ये आपका ही सीट नंबर? और इस तरह उसे चुन लिया गया। उन्होंने लॉस वेगास जाने के लिए उसके दिमाग को प्रोग्राम किया था। उसके वेगास जाने तक वो लगातार उसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम करते रहे। उन्होंने उसका पीछा किया, जानकारी इकट्ठा की, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने उसका नाम ले लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उनका शिकार है और उन्होंने विगास में उसे एक्टिवेट कर दिया। जब मैं चुटकी बजाऊंगा तुम सब कुछ खोल। अब आपके सामने आ रहे हैं मेरिट में। लेकिन उन्हें उसकी बैंक के बारे में कैसे पता चला? मजाक कर रहे हो क्या? बातों को घुमाए बिना तुम मुझे सीधी तरह बताओगे? हाँ, जरूर बताऊंगा। ये बहुत ही मुश्किल और जादुई तरीका है जिसका इस्तेमाल मजिशियंस ऑडियंस की बैंक का पता लगाने के लिए करते हैं। तुम तैयार हो? हाँ। क्रेडिट कार्ड। और वहीं से उन्हें कार्ड के लिए सिग्नेचर मिला जिसे उन्होंने पेरिस की बैंक में छोड़ा था। बिल्कुल सही। तुम्हारे पार्टनर बहुत समझदार है। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो सिग्नेचर कार्ड उस वॉल्ट में कैसे रखा जबकि तुम कह रहे हो उन्होंने पैसे नहीं चुराए? मैंने नहीं कहा कि उन्होंने पैसे नहीं चुराए, मैंने ये कहा कि उन्होंने बैंक को नहीं लूटा। मुझे लगता है उन्होंने उन पैसों को टारगेट किया जो बिल्कुल नए छपे थे और हथियार से लैस एक ट्रक से बैंक में भेजे जाने थे। उसके अंदर पहुंचना बेहद मुश्किल है अगर आप पहले से ही उसके अंदर छुपे न हो तो। उसके अलावा एक ऐसे बैंक पर तुम क्या भरोसा करोगे जिसके ट्रक्स चलाने वाले ड्राइवर दिमाग से इतने कमजोर हो? और इसकी वजह से उन लोगों का काम और भी आसान हो जाता है। कैसे हो? तो वॉल्ट में जो नकली पैसा था उसे उन्होंने कैसे गायब कर दिया? फ्लैश पेपर। मजिशियंस इसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इससे न धुआं होता है न कोई सबूत छूटता है। ओ नहीं। दो दिन पहले तक इन लोगों के बारे में किसी ने नहीं सुना लेकिन आज रात के टिकट सिर्फ 35 सेकंड में बिक गए। लगता है इन लोगों ने बिजनेस को चलाने का एक अनोखा रास्ता निकाल लिया है। अपने दर्शकों को $3 मिलियन देने से उनका दिन अच्छा हो गया होगा। सबसे बेहतरीन शो। इतिहास में ये पहले ऐसे मजीशियन है जिन्होंने इतना पैसा लोगों में बांट दिया। अगर ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़े तो सबसे पहले अपने लॉयर को लगाएं। ऐसा ही करूंगा। लॉयर पहले, उसके बाद खुद को और उसके बाद इन बच्चों। हाँ बिल्कुल, उसके बाद बच्चों को। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो हम दोनों लोग ही कुछ सोच रहे हैं। और वो क्या है? जाहिर सी बात है, तुम्हारे दिल में डैनियल के लिए थोड़ा सा प्यार है, वो भी एक तरफा, जो कि गलत है। वो तुम्हें अपना वक्त नहीं दे पा रहा है जिसकी वजह से तुम बहुत ही परेशान हो। तो मैं इसे क्या कहूँ, खराब। मैं परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं और सच में मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बहुत ही करीबी समझो। वाओ, शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी घटिया और बेहुदा बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। घटिया और बेहुदा हो सकता है लेकिन सच में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम
कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आराम से बैठिए। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ। तो ड्रेसलर के बारे में कैसे पता चला? पैसे क्या? घमंड। अच्छा अपना कार्ड चुनो, ठीक से देखकर इसमें वापस रख दो और मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, ठीक है? ओके। उस रात ब्रैडली वहाँ था और वो ये भी जानता है कि उन्होंने ये कैसे किया। उसके बारे में क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो कि वो सब साथ में काम कर रहे हैं? हाँ, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि एक साल पहले ये लोग बहुत ही मामूली मैजिशियंस थे, तो इन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा कारनामा कैसे किया, वो भी बिना बाहरी मदद के। ये है तुम्हारा कार्ड? नहीं, मेरा कार्ड वहाँ पड़ा है उस आदमी की गोद में। अच्छी कोशिश थी। You know, this is hard. According to this book, some of those guys practice one simple move 8 hours a day for years. This is crazy. Really? Some of those guys seriously need to get a life. आमतौर पर तुम्हें सभी मैजिशियन से प्रॉब्लम होती है या खासकर इन्हीं लोगों से है? आमतौर पर मैं मैजिशियंस की परवाह नहीं करता, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो दूसरों को परेशान करते हैं। परेशान करते हैं कैसे? संभल कर। उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनमें ऐसी चीज का भरोसा करने की जरूरत पैदा करते हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता और बाद में उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मुझे लगता है उससे ताकत मिलती है। मैं भरोसा करती हूँ तो जिंदगी अच्छी हो जाती है। क्या ये तुम्हारा कार्ड है? हाँ। हाँ? हाँ? Cool. तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो असली है शायद। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच बताओगे? क्या तुम हमेशा परेशान रहते हो या शायद कभी तुमने अच्छे पल भी बिताए हैं? एक लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, सर आप इस पर लेट जाइए। लड़के ने कहा, क्यों? तो डॉक्टर ने कहा, जिससे मैं आपको ठीक से चेक कर सकूं। रुको, मैं एक बार ट्राई करता हूं। ठीक है, बात करते हैं। हे गाइस, हमें शो की तैयारी करनी है। ओह, अभी करनी है? नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, ये चीज मुझ पर बिल्कुल मत करो। कौन सी चीज? मैं तो बस तुम्हें देख। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें कई सालों से देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स से। अच्छा, तो तुम इन्हें ट्रिक्स कहते हो? हाँ, ये एक चाल है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। आंखों को पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज, मैं जानता हूँ। ये इतना ही आसान है तो तुम इसे हैनली पर क्यों नहीं करते? हाँ जानी, तुम मुझ पर ट्राई क्यों नहीं करते? मैं जैस्मिन पर करूंगा। नहीं, मुझ पर। हाँ ठीक है, इन पर करो। ठीक है, ये अच्छी बात है। आर्थर, हाँ एक बात याद रखना, अगर मैं चाहूँ तो तुम मुझे पढ़ नहीं सकते। तो मेरी आंखों में देखो। तो आर्थर, तुम अपने बचपन में, कैसे बताऊँ, तुम बहुत ही ज्यादा शरारती थे। तुम्हारे पास एक डॉग था, एक शैतान डॉग, एक खतरनाक ब्रीड का, जिसका नाम था बेन द बुलडॉग। एक्चुअली मैं बहुत जिद्दी बच्चा था। मेरे पास रोएदार सफेद बिल्ली थी जिसका नाम था स्नफल्स। रुको, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं, इसे करने दो। मुझे एक और मौका दो, एक और। नहीं, इसे करने दो, ये तुमसे बेहतर। फैमिली की बात करते हैं। आपके एक अंकल हैं आपकी माँ की तरफ से, उनका एक बहुत ही अच्छा मर्दाना नाम था, एक बहुत ही अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त सा, तुम्हें पता है बहुत ही अच्छा सा नाम है, शायद वो नाम है पॉल थॉमसन। पॉल, ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। कोशिश अच्छी थी। सच में? हाँ, मेरे अंकल का नाम था खुशमन आर्मिटेज। स्नफल्स और खुशमन आर्मिटेज, तो ये था आपका बचपन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात का शो इससे भी अच्छा होगा। चिंता मत कीजिए, बस देखते जाइए। सुनो, मेरे लिए यहाँ किसी भी होटल में एक रूम का इंतजाम कर दो प्लीज। मजाक मत करो, देखो यहाँ बहुत ज्यादा शोर है डिलन, वहाँ थिएटर के आसपास कुछ भी नहीं है। एक मिनट रुको रुको, ये लड़की कहाँ चली गई? हे हे हे, रुको, कहाँ चली गई थी तुम? इतनी दूर तुम न्यू ऑरलियंस में घूमने आई हो? नहीं, इनफैक्ट फ्रेंच बोलना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। वहाँ उस औरत को देख रहे हो? उसका नाम मैरी क्लेयर है और उसके पास हमारे लिए एक अच्छी सी जगह है। यार वेलकम। ठीक है, हमें जगह मिल गई। यस सर। I want two each inside of here. The other 30 around here. Roofs, alleys, balconies, eyes on the horsemen at all times. Yes, sir. Wow, 100 years ago, William Robinson took the name Chong Ling Su and spent his entire life never speaking English in public. नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है। और ये दूसरा आदमी मैक्स मिलन, मुझे इस समय मैजिक का इतिहास जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उनके हाथ के कठपुतली बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रही थी वो सोचते कैसे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं एक कठपुतली हूँ? मैं नहीं जानती इनमें से कोई भी इसके खिलाफ कैसे जाने वाला है। इसके मतलब इस मैजिक के? लायनेल श्राइक, सेंट्रल पार्क में एक लड़का था, उसने कार्ड चुना और साइन किया। उसके बाद वो उस पेड़ के पास गया जो 20 सालों से वहां पर था। उन्होंने पेड़ को आधा पाया और पेड़ के अंदर वही साइन किया हुआ क
कार्ड शीशे में बंद मिला, कैसे किया उन्होंने? मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि उसके पीछे कोई खास कारण होगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें वहाँ लॉबी में अभी तक कोई आदमी दिखाई दिया कि नहीं? लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। याद है वो डैनियल एटलस कितना शातिर है? उसने अपनी पूरी टीम को ट्रैकिंग ब्रेसलेट दिए। कैसे ट्रैकिंग ब्रेसलेट? उसके क्रू मेंबर ने ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहने हुए और वो सारे ब्रेसलेट एक सब एट फ्लैट बैंड पर है। तो जब तक एटलस उनको ट्रैक कर रहा है, हमारे लोग यहाँ मोबाइल कमांड यूनिट में एटलस को ट्रैक कर सकते हैं। कोई मूवमेंट होता ही मुझे खबर करना। हाँ ठीक है। तुम यहाँ एक बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो डिलन। यहाँ पेरिस में एक जगह है पोंट डेज आर्ट। अक्सर सुबह वहां जाकर मैं बेंच पर बैठती हूँ और उन लोगों को देखती हूँ जो अपनी विश पूरी करने के लिए ब्रिज में ताला लगाते हैं और चाबी को पानी में फेंक देते हैं। पूरा दिन लोग यही करते हैं, माताएं, प्रेमी लोग, बुजुर्ग लोग पानी में डूबती चाबी को देखते हैं और उनके सारे राज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। हकीकत के और साथ ही जादुई सभी। तो तुम्हें वाकई में लगता है कि कोई पांचवा हॉर्समैन भी हो सकता है? हाँ। प्राचीन मिश्र में एक महान आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम था द आई। कहा जाता है कि वो अपने हाथ की सफाई से राजा का खाना चुराकर गरीबों में बांट देता था। उसका मकसद था जादू और धोखे का इस्तेमाल करके सबके साथ बराबर इंसाफ करना। क्या ये हॉर्समैन भी उन्हीं में से हैं जो इस कहानी में भरोसा रखते हैं? क्या वो कानून और तर्कों के नियमों को तोड़ पाएंगे जैसा उन्होंने लास वेगास में किया? या फिर इस दक्षिणी दलदली जगह का काला जादू उससे कहीं बेहतर साबित होगा? बहुत अच्छे मिस्टर ब्रैड। या तो तुम इसे पूरी तरह से छोड़ दो जो तुम नहीं करोगे, या फिर यहां से चले जाओ। अगर मैं किसी चीज को रोकना या छोड़ना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। बाहर जाओ। तुम्हारी मदद करने वालों के अनुसार तुम अभी 2.5 मिलियन कमा रहे हो अपने स्पेशल शो से। मेरे पास चेक है 3.5 मिलियन का। यहां से जाने के लिए? बिल्कुल सही कहा, मेरा जेट तुम्हारे सेवा में हाजिर है। मिस्टर ट्रेसलर, मुझे तुम्हारा मजाक करना पसंद नहीं आया। तुम उन्हें ऊपर उठाना चाहते हो और मैं उन्हें नीचे गिराना चाहता हूं। मुझे लगता है तुम्हें मेरी डील पसंद नहीं आई। लगता है हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे सीधी बात करता हूं, मेरा बैंक अकाउंट तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है और मेरा लॉयर वो भी बहुत स्ट्रांग है और वो तुम्हें हथकड़ी लगवाएंगे। तुम बहुत बुरे फंसोगे, एक लाचार की तरह अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखोगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि मुझे धमकी मिल रही है। And I'm still here. बिल्कुल मिली होगी, मैं धमकी देने वाले लोगों जैसा नहीं हूं। And if you do anything to sully my investment, the ride down that you mentioned will be sudden, precipitous and measurable on the Richter scale. ओफो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। मान्यताओं के अनुसार जो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए डॉल का इस्तेमाल करता है तो उसका गुस्सा कहर बनकर खुद उसी पर टूट पड़ता है। अच्छा मजाक है, लगता था तुम्हें मैजिक पर भरोसा नहीं है। Do me a favor, visualize your most adventurous sexual experience. Stay out of my head, you perv. Well, no, if I stay out of your head, I'm never going to get in your pants. So let's stick with this exercise, and it helps. Pardon the intrusion. Just wanted to wish you good luck tonight. What, so you can try to expose us later on your little website? And on demand. That's not going to happen. Oh, no? Operating on a special plane because of the eye?
I hear it's a lovely place. Lots of starshine and moonbeams. Make any magician's wish come true. You've come a long way. Much further than anyone would have expected of a bunch of wannabes and has-beens. Oh, if by has-been you're referring to me, I just want to say I'm flattered because I always consider myself a never-was. Do you mind if I do a quick read on you? By all means. Okay. I'm picturing a little boy who wants to be a great magician someday. No, he's good. He's not quite good enough, so he ends up at the bottom of the entertainment food chain, feeding off of those who have the talent that he never did. Tell me, am I getting close? Wait, before you go, I'm just, I'm working on something new. Do you have a second? Okay, name a card. King of Hearts. Knew it. Okay. It's up your left sleeve. Is it? No. No, I don't see it up there. You know, why don't you check your unnecessary velveteen pocket there? Yeah. Oh. Anyway, thank you so much for coming by, but this is kind of a talent-only area, so. Break a leg. Hey, you break something, too. Ladies and gentlemen. सबॉय मैनेजमेंट आज रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता है जिसका नाम है फोर हॉर्समैन। दूसरे कार्यक्रमों की तरह ही फोर हॉर्समैन आपको फ्री में इस परफॉर्मेंस को फिल्माने, अपलोड करने, दोस्तों को बताने, ट्वीट करने की अनुमति देता है। शुक्रिया। शो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। nice ओह, एक बात बताऊं, मैं जान गई उन्होंने वो ट्रिक कैसे की। किसने? श्राइक। तो जब वो 14 साल का था, सेंट्रल पार्क के पेड़ में उसने एक छेद देखा। वहाँ एक आदमी था जो वहीं पर काम करता था। बस ऐसे ही खेल खेल में उसने एक कार्ड पर साइन कर दिया। उस आदमी के रिटायर होने पर 18 साल के बाद श्राइक ने परफॉर्म किया, साइन किया हुआ कार्ड लड़के को दिया और हो गया। कार्ड पेड़ में था। वो कार्ड पेड़ में 18 सालों से था। कार्ड पेड़ में पहले से था और 18 सालों में पेड़ कार्ड के चारों तरफ बढ़ता गया। ये कोई जादू नहीं है। बात ये है कि ट्रिक पास से देखने के लिए नहीं है, इसे बहुत पीछे से देखना होगा। इसके लिए तुम्हें 20 साल पहले जाना होगा। श्राइक के डूबने के बाद उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। तुम कहना क्या चाहती हो? आर्थर ट्रेसलर प्रस्तुत करते हैं जैक वाइल्डर, हेनली रीव्स, Merritt McKinney or Daniel Atlas, the Four Horsemen. Before we begin, we'd like to single out two people in particular, a man and a woman, to whom we'd like to dedicate tonight's performance. FBI agent Dylan Rhodes and the lovely, if somewhat inexperienced, Interpol agent Alma Dre, everyone. Yeah, Agent Rhodes has personally vowed to, quote, nail us. And we encourage him to do so if he has the brains and the fur. मैजिक क्या है? आप कहते हैं कि ये बस एक नजरों का धोखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें, जितना हो सके उतना करीब से देखें, क्योंकि आप जो ट्रिक्स देखने वाले हैं शायद आप उन्हें जोड़ ना पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं ये जुड़ी हुई है। 100 अलग अलग छोटी ट्रिक्स को देखना है या एक बहुत बड़ा धोखा। और अब किताब की सबसे पुरानी ट्रिक्स में से एक। डैनी, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो बॉक्स खोलकर दिखा सकते हो कि ये खाली है। अब हमें 12 लोग चाहिए जिनका दिल बहुत ही मजबूत है। अब मैं इस प्यारे से खरगोश को इस जादुई डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। आप में से किसी दो लोग के पास पेंसिल है, हाथ उठाइए, मुझे देखना है। यहाँ मेरे पास है। और अब तुम वो मैजिक वर्ड बोलो। आब्रा-का-जाब्रा। हाँ, और मैं इस जादुई छड़ी को घुमाता हूँ जिसकी कोई जरूरत नहीं, और आपकी आंखों के सामने वो खरगोश गायब हो गया। आपने कभी इतने लोगों को एक साथ सम्मोहित होते नहीं देखा होगा। और सो जाओ, डाउन डाउन, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, गुड।
गुड और आज रात हम कुछ मैजिक ट्रिक्स के राज खोलने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हकीकत में खरगोश जिंदा और सही सलामत है, और देखिए ये जादू से वापस आ गया। आप देख रहे हैं ये एक शीशा है जो आपको बॉक्स के खाली होने का भ्रम पैदा करता है। जब मैं तुमसे कहूंगा फ्रीज, तुम सब फुटबॉल प्लेयर बन जाओगे और तुम्हारा काम होगा टैकल करना, टुकड़े करना, कुचलना, पैरों से पैरों को तोड़ देना और हमला करना। Now we've all heard of pulling the rabbit out of the hat, but has anyone heard of pulling a hat out of a rabbit? तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर हमला करना है। वो वही होगा जो ये शब्द कहेगा, फ्रीज। अपना हाथ बीच में रखो। 1, 2, 3 हम तैयार रहेंगे। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। मुझे लग रहा है हम बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तुम्हारे में पहले से कुछ कम हुआ है। मैंने आपको इंटरवल के दौरान अपने बैंक बैलेंस को लिखकर एक लिफाफे में बंद करने के लिए कहा था, और अब उन्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अपना लिफाफा बाहर निकालिए और अब सब लोग एक साथ अपना नाम जोर से चिल्लाइए। चलिए, जोर से चिल्लाइए। क्लेमेंट, फ्रैनिक, मैं यहाँ हूँ। ओ वहाँ ऊपर, ठीक है। डीना रॉबर्टसन, हाँ मैं हूँ। ओके, नाम नाम बोलो बोलो बोलो। जोसेफा हेकी, वो मैं हूँ। जोसेफा, मैं चाहता हूँ तुम अपना बैंक बैलेंस धुएं में रखो और 1 से 10 तक गिनती करो। 1, 2, 3, 4, 5 क्या पहला नंबर 5 है? हाँ। फिर से करो, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुको, 6। फिर से 1, 2, 3 जोसेफा, इस समय तुम्हारा बैंक बैलेंस है $562, ठीक है? हाँ यही है। पर माफ करना, तुम गलत हो। ठीक है डीना, 1, 4, 7, 7 हाँ? तुम्हें लगता है सच है, लेकिन सच कहूं तो तुम भी गलत हो। क्लेमेंट, तुम्हारे अकाउंट में $6,500 नहीं है। सच यह है कि सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग। हाँ, अब वो लिफाफा अपने माथे पर रखिए, अपने बैलेंस पर ध्यान लगाइए। ओ नहीं, ये कैसे? मुझे इसी बात का डर था। ये तो बहुत ही अजीब है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सब गलत हैं। आप में से हर कोई जैसा अपने अकाउंट के बारे में सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आप लोग बैठ सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था, आज की शाम ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता अगर आर्थर ट्रेसलर ने हमारा साथ ना दिया होता। जोरदार तालियां, जोरदार। मिस्टर ट्रेसलर, फिनाले के लिए हमारे साथ यहाँ नीचे आ जाइए। आ जाइए आर्थर। आ जाइए सर। बहुत अच्छे, गुड गुड। तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं। कोई भी थिएटर से बाहर नहीं जाएगा। कोई स्वागत कीजिए। अच्छा आर्थर, क्या आपने अपना बैंक बैलेंस लिखा था? कोई बात नहीं, हमने तैयारी कर ली। ठीक है आर्थर, मैं गेस करता हूँ ये लगभग 140 है। मैं सही कह रहा हूँ? सच कहूँ तो ये $140 million है। माफ करना मेरिट, अगर हर कोई अपने बैलेंस के बारे में गलत हो तो ये सही। तुमने बिल्कुल सही कहा हैनली, ये भी गलत है। और आपकी सीट के नीचे जो फ्लैश लाइट रखी है उसका इस्तेमाल करके अपने कागज को गर्म कीजिए, इससे आपको अपना सही बैलेंस दिखना शुरू हो जाएगा।
और आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास आपके लिए भी फ्लैश लाइट है। जी हाँ। वो क्या हो रहा है डैनियल? रुको, ये बहुत अजीब है। अभी एक सेकंड पहले लिखा था 144,579,651 और अब इसमें $70,000 कम है। ठीक है जोसेफ, आप खड़ी हो जाइए। अब तुम्हारा नया नंबर क्या है? $70,562 मेरे अकाउंट में हो गए हैं। क्या ये मुमकिन है कि जोसेफा के अकाउंट में बैलेंस उतना ही बढ़ा है जितना ऑर्थर के अकाउंट में कम हुआ है? ए जरा देखो तो, यहाँ पर भी कुछ हलचल है। सच में? वाव, ये देखिए, ऑर्थर के अकाउंट का बैंक बैलेंस 280K से कम हो गया। नीना रॉबर्टसन, तुम्हारा नया नंबर कौन सा है? $281,477 हम एक कन्फेशन करना चाहते हैं। इसने सही कहा, हमने बहुत से झूठ बोले। आप में से किसी को भी ऐसे ही नहीं चुना गया। आप सभी में एक बात कॉमन है, आप में से हर कोई अमेरिका की विरासत पर हुए हमले के बुरे वक्त में मुश्किलों को झेल चुका है। आप में से कुछ लोगों ने अपना घर खोया, अपनी कार भी, अपना बिजनेस, अपने चाहने वालों को। लेकिन आप सभी लोगों का एक ही कंपनी से इंश्योरेंस था। आपके साथ धोखा, आपको लूटा गया और कोई पैसा नहीं मिला। ये सब शो का हिस्सा है, है ना? ये सब तुम्हें लगता है कि हम खरीदी हुई ऑडियंस के सामने कर रहे हैं? तो हाँ, ये शो का हिस्सा है। वो मेरे अकाउंट में $82,000 आ गए। सच में मेरे फोन में मैसेज आया है। सब लोग अपना अपना फोन देखो, जल्दी करो सब लोग। वो! क्या ये सच में हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसा कुछ हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ तुम्हें। ये तुमने किया? हम कैसे कर सकते हैं आर्थर, हमारे पास तुम्हारा पासवर्ड भी नहीं है। अकाउंट एक्सेस करने की जानकारी हमारे हाथ कैसे लगती? हाँ, सिक्योरिटी के लिए कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ का नाम क्या है या तुम्हारे पहले पालतू जानवर का नाम। हमें वो सब जानकारी कैसे मिल सकती है आर्थर, तुमने कभी बताई ही नहीं। खबर मिल गई है, ये सब सच में हो रहा है, उन्होंने आर्थर को लूट लिया। उनको बाहर मत जाने देना। सुनो, हमने तुम्हारा जेट और रोल्स रॉयस छोड़ दिए। सब लोग रोड पर आओ, जल्दी करो। बुलर, मुझे थिएटर के मेन गेट पर मिलो और ट्रैकर ले आओ। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी, वो ट्रैकर मुझे दो। जल्दी करो, यहां से इस तरफ। चलो चलो, एफबीआई, अच्छा डिलन, दो मुझे, बताओ क्या मिला। ये देखो रेड डॉट, तुम्हें इसका पीछा करना। ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ। किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा। वो बाईं ओर जा रहे हैं। Thank you.
नॉर्थ की तरफ गए। चलो हटो यहाँ से जल्दी। साइड में। रुको। एक्सक्यूज मी। वो कहीं नहीं दिख रहा। बताओ तुम कहाँ हो? समझ में नहीं आ रहा है। वो तक्षण की ओर एक्सचेंज की तरफ जा रहा है। रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? वो नेपोलियन हाउस में जा रहा है। हटो हटो। रास्ते से हट जाओ। हटो। वो बाथरूम में। मैं बाथरूम में जा रहा हूं। नहीं। फ्रीज। अपने हथियार नीचे करो। क्या? मैं खुद का पीछा कर रहा था। पोर हॉर्समैन एफबीआई की पूरी टीम को चकमा देकर आसानी से भाग निकले, जिसके बाद इस घटना ने एफबीआई टास्क फोर्स की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ इस केस के स्पेशल एजेंट डायन रॉड्स का सबके सामने मजाक बन गया। यहां तक कि आज रात की परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने उन पर हमला भी कर दिया। देखते ही देखते ये खबर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार उन चारों ने ये कारनामा कर दिखाया है। कुछ ही दिनों पहले वेगस में इन लोगों ने एक पेरिस की बैंक को लूटा था। हे, ये तुम क्या कर रहे? मैं ड्रिंक कर रहा। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम उसे पकड़ सकती थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था। मैं उस पर गोली नहीं चला सकती थी। तुम जानते हो उसे जाने दिया है। कोई जवाब? तुम्हारी नीली आंखों में मुझे धोखा नजर आ रहा है। मैं सोचता था तुम मेरी पार्टनर हो और तुमने उस आदमी को जाने दिया। मुझे सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? समझ गया, तुम खतरनाक एजेंट हो। कोशिश अच्छी थी। ये क्या है? और उसके आंख का मतलब? ओह, कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। तुम जब होश में रहोगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लेना। मिस्टर ब्रैडली, मिस्टर ट्रेसला आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, थैंक यू। इस काम में तुमने उनका साथ दिया? मैंने? तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तुम ऐसा सोचते हो तो कोई बात नहीं, पर ये तुम्हारे बारे में नहीं है। प्लीज मुझे ये बताओगे कि ये मेरे बारे में क्यों नहीं है? ये एक मैजिक ट्रिक है ट्रेसलर, जिसे एक बहुत बड़े स्तर पर खेला गया है और तुम केवल एक ध्यान भटकाने का मोहरा हो, जिससे वो अपने असली ट्रिक की तैयारी कर सके। मैं $140 million का मोहरा बना? हाँ। और इसी घमंड की वजह से जब तुम पहली बार उनसे मिले तो तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। जानता हूं कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे और उन्हें भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो भी बड़ी ट्रिक है इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई है और मुझे लगता है कि जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होगा। तो मेरी सलाह है कि सामने की सीट पर आराम से बैठकर पूरे खेल का मजा लो, क्योंकि पहले ही तुमने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तुम कितना कमा लेते हो? मैं डबल दूंगा अगर तुम उन्हें एक्सपोज करोगे और डिस्ट्रॉय करोगे। मैं अपने काम से 5 million कमाता हूं। क्या मैं डर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
sorry for your arm. No, I'm sorry. I was an asshole. I was drunk. I'm at a loss. You know, when Merritt said I hardly spend any time away from the desk, he was right. I'm a researcher. That's what I do best. So, what's this all about? Supposedly, if you buy into it, the eye are the keepers of real magic and the protectors of those who practice it. Candidates for initiations must follow a series of commands with blind obedience. This isn't real. But there are some who think it is. May I? According to these, they only take new people twice a century. So what, the horsemen are doing these shows in order to get into this thing? I don't know. I mean, I guess these guys could just rob banks to rob banks. They don't have to put on a show for that. It's probably just a myth. But it doesn't make any sense, and I don't think logic will solve this for us. Oh, you don't say. No. I believe that some things are only discovered if you take certain leaps. Good night. Oh. I think someone's watching us, but it isn't magic. Your fears are correct. This is not and has never been your phone. It's a clone in every way, except for this. ये microchip. किसी ने तुम्हारी सारी कॉल्स सुनी है और मैसेजेस भी पढ़े हैं। और इसी वजह से वो लोग हमसे बच निकले। क्या मजाक है? एटलस के इंटरोगेशन का टेप लेकर आओ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ाओ। आगे आगे आगे, रुक जाओ। ओके, अब फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ाओ। लेकर आओ। हाँ, रुक जाओ, ज़ूम करो। और वहां उसने मेरा फोन लिया। वो अभी भी काम कर रहा है। जब कॉल या मैसेज करोगे तभी काम करेगा। मैंने चिप निकाल ठीक है, वो चिप वापस लगाओ और ऑन करो। उन्हें नहीं पता कि हम चिप के बारे में जानते हैं, और इस तरह हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे और हम उसी तरह अपना काम करते रहेंगे। समझ गए? मेरे फोन का पता लगाओ और ट्रैक करो। मैंने कर लिया। 20 मिनट पहले वो न्यूयॉर्क शहर में था। गुड, अब देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। उनकी ताकत को खत्म कर दो, उनके फोन, बिजली, पानी सब काट दो। ऐसी हालत कर दो उनकी कि बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे लिए एक प्लेन मंगवाओ। सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्या वो इसके बारे में जानते हैं? वो कौन? वो लोग जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। हम किसके लिए काम कर रहे हैं और क्या हम उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाकई में ऐसा ही होने वाला है। हमारे साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं हम सबके साथ। सुनो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तुम हमेशा कहते थे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, यही वक्त है खुद को साबित करने का। प्लान के हिसाब से चलो, यहीं रुको और सबको चला दो। पता नहीं मैं यहाँ कर मुझे नहीं पता कि तुम कभी कुछ करते हो या मुझे नहीं। तो बस वो खजाना चाहिए जो ये सब खत्म के बाद मिलने वाला है, बस और क्या। ये सब खत्म होने के बाद जो मर्जी आए करो मेरिट, लेकिन तब तक तुम प्लान के मुताबिक चलो। हे सुनो, वो लोग यहाँ हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। चलो खेल खत्म करते हैं। नहीं, क्या ये कानूनी तौर पे अंदर नहीं जा सकती? इंटरपोल से, ये मेरे साथ है, इसे रुकना होगा। क्या? तुम्हें कार में बैठना होगा। चलो जल्दी। चलो निकलते हैं। FBI, कम ऑन जल्दी करो। लेडीज फर्स्ट। हिलना मत। चलो चलो। बोलो, मेरे पैसों का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है ना? बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अब तुम ये बताओ, इन चारों का क्या करना चाहते हो? तड़पाना या मसाला? मसाला डालो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है। फिफ्थ फ्लोर क्लियर है, हम सिक्स पे आ रहे हैं। तुम पागल हो। कौन सा खेल खेल रहे हो? सिक्स फ्लोर पर सब ठीक है, तुम सात पर जाओ। समझ गए, सात पे जाएंगे। रुक जाओ। सच में? हाँ। कैबन बाहर निकल के सभी रास्ते बंद करो। ए, रुको। FBI, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। रुको। Don't ever tell me to stay in the car, ever. I didn't have tactical command. If you don't trust me, just tell me. Promise me next time you will back me up. Can we have this conversation later, please? No. Okay, fine, I promise. Now go. Where'd it go? Whoa, where are they? I don't know. She just took some guy's car. Where are they? That way. Is that your car? Yeah, let's go. ड्राइव पर ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है। नॉर्थ, हम एफडीआर ड्राइव पर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। जानियो पुलिस डिपार्टमेंट और पेट्रोल एजेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार में किसी मुजरिम की काली गाड़ी का पीछा कर रहे हैं।
बस यही हो, तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ मैं। हम आपको इसकी सीधी तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको उसकी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ऐसे ही पीछा करती रहो। संभाल कर, संभाल कर। तुम बस के पीछे हो। सामने से आ जाओ। डिलन, जैक की कार से जो पेपर मिला था उसके बारे में पता चल गया है। उन्हें पता चला कि वो क्या है और उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान तक गवा दी। ये बताने के लिए एवंस यहाँ आने वाला है। ठीक है, चलो। पर पहले तुम्हें इससे बात कर लेनी चाहिए। कौन है? तुम्हारा दोस्त थेडियस ब्रैडली। रोड्स, तुम एक मैजिशियन के असिस्टेंट का काम तो अच्छी तरह जानते होगे एजेंट रोड्स। हाँ, वो ट्रिक को सेट करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाती है। तुम मेरी बात शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। जब तुम मैजिशियन को देख रहे होते हो तो असली काम वो मासूम असिस्टेंट ही कर रही होती है। क्या ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगी कि इंटरपोल ने तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर एक नई लड़की को भेजा? आखिर उसने इस केस के लिए रिक्वेस्ट क्यों की? उसे इस केस के लिए चुना गया था। ये तो किस्मत की बात है। जैसे ताश की गड्डी से एक कार्ड चुना जाता है वैसे। मुझे अजीब लग रहा है कि तुम अचानक मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मैं बस खेल को बराबर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं ऐसे लोगों के साथ खेल रहा हूँ जो ये खेल अच्छे से खेल रहे हैं। कोशिश करते रहो रोड्स, कोशिश करते रहो। सुनो, हाँ? एक प्रॉब्लम हुई। ये रही वो सेफ। नहीं 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 नहीं, हे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन है। हम एल्कॉन नाम के एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की पिछले 5 सालों से जांच कर रहे हैं। और उन्होंने करीब $500 million छुपा रखा है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इससे पूछा। ये पैसा एक तिजोरी के अंदर बंद है जो क्वींस के एक वेयरहाउस में है। लगता है ये मैजिशियन का फाइनल टारगेट होगा। वो मैजिशियन जिसकी पुल पर मौत हुई थी, तुमने उसके हाथों से यही गुप्त एल्कॉन फाइल ली थी। ऐसी बेकार कोशिशों के बावजूद तुम्हारे मैजिशियन मामूली चोर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने फाइल कैसे चुरा ली? ये बात जानकर वाकई में तुम्हें मजा आएगा एजेंट रोड्स। पहले वो हमारे सर्वर से जुड़े, उसके बाद तुम्हारे फोन में जो कोड से उनका इस्तेमाल करके न्यू ऑरलियंस के मोबाइल कमांड सेंटर में पहुंच गए। तुमने हम सबको पीछा करने का ऑर्डर दिया था। इस केस में तुमने पूरी तरह से लापरवाही दिखाई है। अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। आबरा-कडाबरा, अब ये केस मैं हैंडल करूंगा। बॉस, केस ये हैंडल करेगा? चलो चलते हैं जेंटलमैन। हे,
Hey, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे इस तरह कभी बात मत करना। आखिर तुमने ये केस क्यों लिया? क्या? लोग कहते हैं मुझे समझना मुश्किल है, मेरे चेहरे को गौर से देखो, कुछ समझ में आया? गुड। हाँ। मैं साफ तौर पर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि जैसा तुमने अपने बारे में बताया वैसा कुछ भी नहीं है तो याद रखना। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। तुमने कहावत सुनी होगी, भरोसा पहाड़ों को हिला सकता है। अगर तुम वाकई में उन्हें पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम मेरी हालत नहीं समझ रही हो। ये केस मेरे हाथ से निकल रहा है तो किसी पर भरोसा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। More than anything in his life, Jack wanted to be the most famous magician who ever lived. I can't say he achieved it, but I do hope wherever he is, it is full of magic. But the point is, the point of why we are here is to say that we cannot quit now. We've started something bigger than all of us. We have to finish it. वेयरहाउस पहुंच रहे हैं। यूनिट 5 और 6 उत्तर और दक्षिण के दरवाजे को कवर करें। हम तिजोरी के लिए जा रहे हैं। Hey, save car! Come on, fast! Save car! ये सब क्या है? आखिर वो सेफ कहाँ चली गई? आप लोगों के आने से पहले हमने उसे यहाँ से हटा दिया। एवन ने ऑर्डर दिया। मैंने कहा था सर, आपने फोन किया था और कहा था सेफ को यहाँ से हटाना है। मैंने कभी तुम्हें फोन करके ऐसा कुछ नहीं कहा एजेंट। आखिर हुआ क्या है, बताओगे ये सब क्या चल रहा है? ये क्या बकवास है? नहीं, फिर से वही। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर मुझे लगता है ये संगीत का मजा ले रहे हैं। सेफ कहाँ है? इनकी टीम वहाँ ट्रक लोड कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? हमें ऑर्डर्स मिले। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, बोलो इसे। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। वो सोच रहे होंगे कि सेफ यहाँ से निकल चुकी है तो हम इसके साथ ही रहेंगे, इसे पूरे रास्ते फॉलो करेंगे। इसे ले कहाँ जा रहे हो? 5 Point Street की तरफ। तो हम भी वहीं जाएंगे। सेफ जहाँ जाएगी हम उसके पीछे जाएंगे। ये सेफ हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। तुम दोनों मेरे साथ आओ। सुनो, ये देखो, ऑफिस में उन्होंने फोन किया था और ये वीडियो 20 मिनट पहले YouTube पे अपलोड किया है। हम यहाँ पर इसलिए हैं कि आपको ये बता सके कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने कुछ ऐसा शुरू किया जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ा था, हमें उसे खत्म करना होगा। जब हमें लाइव देखोगे तो जैक वाइल्डर का नाम जरूर याद रखना। 5 Point Queens 7 बजे। हम जहाँ जा रहे थे उसी जगह आधे घंटे में उनका शो शुरू होने वाला है। पता नहीं बॉस, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल। हम उन्हें पकड़ लेंगे। देखते ही देखते 5 Points पर भीड़ अचानक से बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने अपने फाइनल शो के लिए FBI को चुनौती दी है। फाइनल राउंड के लिए हम सबको बुलाया है और उनका सामना होगा FBI से। तो आइए चलते हैं और खेल का मजा उठाते हैं। ट्रैक पर नजर रखो, देखते हैं वहाँ कौन आता है। एजेंट रोड्स, फुलर। हाँ बोलो। मुझे दिख रहा है कोई ट्रक की तरफ जा रहा है। कोई लड़की है। फ्रीज! ओह नो! ये सब हो क्या रहा है? ए, ये तो वही टीवी वाला आदमी है। अपने गन्स नीचे करो। जरा देखो तो कौन है? 5वां हाउस। क्या बकवास है, मैं भी तुम्हारी तरह उनका पीछा कर रहा मैं था। मैं कभी किसी का पीछा नहीं कर रहा था। तुम हमेशा मुझसे कदम आगे रहे, लेकिन जानते हो इस वक्त मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ।
तुम बच नहीं सकते। तुम लोग सच में बेवकूफ हो। है? ये किसी जमाने में लायल एंड श्राइक की रिहर्सल की जगह हुआ करती थी। यहाँ मैंने पहला शो किया था। अगर तुम अपनी बेवकूफी का एक नमूना देखना चाहते हो तो इसे खोलो। और हाँ, इसे खोलते समय अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे लिए अपना बेवकूफी भरा चेहरा कैमरे पे दिखाना। मुझे डीवीडी कवर के लिए अच्छा फोटो मिल जाएगा। सेफ को खोलो। जाओ खोलो इसे। खोलो। हाँ, ये क्या है? क्या मेरे नहीं नहीं इसमें है क्या? पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे। ऐसी मैजिक ट्रिक आखिर किसे पसंद नहीं आएगी। उन्होंने फिर तुम्हें खाली सेफ के पीछे लगा दिया। एक बार फिर हिला डाला। शो शुरू हो रहा है। चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है जेंट्रोस, आखिर असली सेफ का क्या हुआ? मैजिक एक धोखा है, लेकिन ये धोखा लोगों को खुश करने के लिए है, मजे के लिए, प्रेरणा के लिए। नीचे हटो, 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 रास्ता दो, रास्ता दो। ये भावना के बारे में है, विश्वास और भरोसा। इन तीन गुणों के बिना मैजिक का एक कला के रूप में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या होगा अगर इन तीन गुणों का इस्तेमाल सही इरादे से ना किया जाए, बल्कि उनका इस्तेमाल धोखा देने और ठगने के लिए किया हो, या अपने फायदे और लालच के लिए हो, तो ये मैजिक नहीं है, यह क्राइम। तो आज रात इस आखिरी खेल में कुछ चीजों को सही करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। ये सब क्या हो रहा है रोड? मुझे नहीं पता। शुरू करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही? वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। लोग, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, एक बार मेरा यकीन करो। रुको, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, यही संभालता हूँ। डैनियल, हाँ, तुम जानते हो ये पूरा साल खतरों से भरा रहा और हम एक दूसरे के करीब आए, हमने साथ में अच्छा वक्त बिताया। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए भावनाएं हैं उन्हें बस मैं जाहिर करना चाहता हूँ। ठीक है। सच में जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो। देख। आओ। और नहीं नहीं बस इतना ही। ये बहुत अच्छा था। सच में मुझे खुशी हुई। सच में दिल से कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेता। तुम भी ना। क्या पता ये सब खत्म होने के बाद हम क्या करें। हमारे अपने रास्ते हैं। शो के बाद हमें भागना होगा, यही तो प्लान था। अगर वहाँ कोई आंख ना हो तो, और अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है और आने वाले 20 साल हमें जेल में बिताने पड़े, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ। मैं भी। दोनों तरफ बराबर की आग लगी है। वो वहां पर है। जाओ उन्हें पकड़ लो, पकड़ लो। चलो
मैजिक के लिए शुक्रिया। आप जैसी इतनी समझदार और जोशीली ऑडियंस का हम फिर से स्वागत करते हैं। बदकिस्मती से हर अच्छी चीज का एक दिन अंत होता है, इसीलिए आज रात का ये शो शुरू करने के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं। हम बस चाहते थे कि पूरी दुनिया हमारा मैजिक शो देखे, और इसलिए हम आप सभी को थोड़ा मैजिक दिखाते हैं। रास्ते से हट जाओ। ये सफर हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब हमारे गायब होने का वक्त आ गया है। गुड नाइट न्यूयॉर्क, हम पर भरोसा करने के लिए आप सबका शुक्रिया। रुक जाओ। सोच से भी पता है, लेकिन इस बार मैं अपनी बात के सच होने पर खुश नहीं हूं। लगता है सब खत्म हो गया। सच में? जरा इसे देखो। क्या? तो असली पैसा कहां? यू आर अंडर अरेस्ट। हाथ ऊपर करो इसी वक्त। मुझे फंसाया गया है। क्या तुम सही? हाँ, साबित कर सकता हूं। मैंने हमेशा किया है, जैसा मैंने तुम्हें भी कहा था, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतने बनावटी ढंग से बात मत करो, समझे? यहां तुम्हारे लिए कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। क्या मैं अपने दोस्त से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर। ठीक है, सौदे के लिए मेरे पास एक जानकारी है, मुझे लगता है इसे तुम्हें मदद मिलेगी। पहले मुझे जानकारी दो। ये सलाखें आदमी को सोचने का वक्त देती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं उन्होंने ये कैसे किया। दूसरे शो में वो खरगोश वाली ट्रिक याद है? बॉक्स कभी खाली था ही नहीं, उसी तरह वो रूम भी खाली नहीं था। वेयरहाउस में घुसने के बाद उन्होंने असली सेफ को वहीं रखा और पूरे रूम को एक बड़े खरगोश वाले बॉक्स में बदल दिया। तुम लोग वहां पहुंचे और ये सोचा
कि वो सेफ वहां से जा चुकी है। रोको! तुम उनकी ट्रिक भूल गए दोबारा, जिसकी वजह से तुमने ये सोचा कि सेफ चोरी हो गई है और तुम गार्ड्स छोड़कर वहां से चले गए। जिस वक्त तुम उस गुब्बारे वाली सेफ को बचाने में लगे हुए थे, उस वक्त कोई वेयरहाउस में अपना काम कर रहा था। पता है कौन? जैक वाइल्डर। क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई है। यह तुम्हारा धोखा है, वो नहीं मरा। यह तो बंद है। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसे मैं खोल नहीं सकता। बहुत खूब मिस्टर वाइल्डर, बहुत अच्छा काम किया। अब तुम बड़े हो गए हो जैक। वो FBI की गाड़ी में भागा था, है ना? वो तुम्हें ब्रिज पर ले गया जहां उसके दूसरे साथी डुप्लीकेट गाड़ी के साथ इंतजार कर रहे थे। बस कुछ सेकंड के लिए वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ और उन्होंने गाड़ी बदल दी। उस जलती हुई गाड़ी की तरफ तेजी से भागे, जो बहुत हिम्मत का काम था। तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, जो मुझे लगता है पहले से ही मरा हुआ था। इतना बड़ा और खतरनाक प्लान आखिर उन्होंने क्यों बनाया? वो भी एक आदमी को फंसाने के लिए? मुझे नहीं पता। उन्होंने चुराया हुआ एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। हाँ, यही वो बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैंने जो भी जानकारी दी वो काफी हद तक बहुत जरूरी है। नहीं, ये किसी काम की नहीं। क्यों? अब वाकई में मैं लायनल श्राइक के केस को गौर से देखना चाहता हूँ। उनकी स्टेज पर वापसी की कोशिश और वो हादसा, वो कंपनी जिसने उनके परिवार के दावे को नकार दिया, ट्रेसलर इंश्योरेंस, वो बैंक जिसे पैसे देने चाहिए थे, क्रेडिट रिपब्लिकन ऑफ पेरिस। क्रेडिट रिपब्लिकन ऑफ पेरिस। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये किसी बड़े खिलाड़ी का काम है। अगर ऐसा हुआ कि हम सबको इस सेंट्रल पार्क में सुबह के 2 बजे लूटने का प्लान बनाया हो तो? नहीं, हम बिल्कुल वहाँ हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। बस हमें ढूंढना है वो लाइनल श्राइक ट्री और शीशे में बंद वो कार्ड। अब हमें क्या करना होगा? तो मैं तुम्हें अपनी थ्योरी बताता हूं। कहा जाता है कि वो आंख हर जगह है, उसे इंतजार है कुछ सच्चे महान मजीशियंस का, जो खुद को साधारण से असाधारण बना सके। हो सकता है वो तुम ही हो जिसने ये सब किया। तुम किसी भी तरह उस आग का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कभी वो मौका नहीं मिला, इसीलिए तुमने उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। इसके बावजूद क्या हुआ? तुम जेल में हो। वो आग सिर्फ एक स्टोरी है। तो तुम मुझे समझाओ कि इस सब के पीछे आखिर है कौन? कोई बहुत बड़ा पागल रहा होगा, या फिर चालाक, ऐसा कोई जो अपनी हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, जो सब कुछ खोने के लिए तैयार हो, जिसे ट्रिक पूरी होने तक उस पर कोई शक भी न कर सके। मुझे उसके बारे में मत बताओ, बस नाम बताओ, कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता कौन, लेकिन उसके पास वेयर हाउस में जाने का रास्ता जरूर होगा, वो शीशा लगाने के लिए मुझसे हमेशा एक कदम आगे, और FBI से भी, और वो भी सिर्फ एक या दो बार नहीं, हमेशा लगातार। और अगर वो इसी तरह से करते रहते, इधर देखो,
तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी देखने के लिए कितना इंतजार किया। कौन हो तुम और मुझसे चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं पूरी जिंदगी तुम सलाखों के पीछे गुजारो, इन दीवारों को घूरते रहो और सोचो कि तुम चुप कैसे गए, किस तरह तुम्हारे घमंड ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम एक कदम आगे हो, लेकिन तुम हमेशा दो कदम पीछे ही थे। डैलन, एक मिनट रुको। डैलन, कैसे किया ये सब? ओह माय गॉड, ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो नामुमकिन है। हाँ सच में, ये वाकई में कमाल की बात है। थैंक यू। जब मैंने कहा था हर जगह स्मार्ट बंद कर रहो, वो हमारे काम का हिस्सा था। ओके राइट हेनले, इसे इतना हैरान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस बात को अपनी तारीफ समझता हूँ। I'm very sorry, मैंने आपको लातों से मारा था। hey, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 100% भरोसा था और इन सबको भरोसा दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है, समझ गए? तो एक मिनट। तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। क्या असली मैजिक वो है जो चार अलग अलग बेहतरीन एक्ट्स को एक साथ मिलकर काम करने के लायक बनाता है। तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, तो आ जाओ, ने तुम्हारा स्वागत है। सब एक दूसरे से जुड़े थे, क्रेडिट रिपब्लिक, ट्रेसलर इंश्योरेंस। कैसी हो? ठीक हूं। और एल्कॉन, उसका स्ट्राइक से क्या कनेक्शन था? एल्कॉन अपने काम के शुरुआती दिनों में सेफ बनाता था, उन्होंने सस्ता स्टील इस्तेमाल किया, कोनों को काट दिया, जब वो नदी के गहरे में गए तो सेफ टेढ़ी हो गई और वो फंस गए। वो तुम्हारे डैड थे ना? ऑफ कोर्स। द मॉर्निंग बिफोर द शो डिडंट फील लाइक एनी अदर डे। व्हेन माय फादर सेड ही हैड टू गो टू वर्क, ही कुड सी दैट आई डिडंट वांट हिम टू लीव। सो ही गेव मी हिज वॉच एंड ही टोल्ड मी टू काउंट द सेकंड्स अंटिल ही केम बैक। मैं 12 साल का था और उस हादसे के बाद मैंने बहुत मेहनत की, प्लानिंग की, हर चीज पर बारीकी से काम किया, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था वो थी तुम। और मैं जानता था कि तुम्हारा मकसद सही तरह से इस केस को इसके अंत तक पहुंचाना है और तुम्हारी यही बात मुझे तुम तक खींच लाई। हाँ, पर तुम जानते हो कि मैं इन चीजों के बारे में क्या सोचती हूँ, और ये भी जानते हो कि मुझे लगता है कि कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। एक और राज दफन करने के लिए। हाँ।
क्योंकि अब तुम हमारे राज जानते हो। हम कहीं भी हो सकते हैं, तुम्हें देख रहे हैं। हमें किसी की तलाश है जो दूसरी ट्रिप में हमारी मदद करे। जब मैं तीन गिनूं तो अपनी आंखें खोलना और मुझे बताना तुमने क्या देखा। 1, 2 Exhausted and hungry and cranky. Oh, man. Check out this place. Yes. Where'd you bring us? Was there no landfill where we were? This place is awesome. Hmm. Is this our new gear? There better not be, like, matching jumpsuits in there. You know I don't wear spandex. It's locked. Guys, the cards. What card? Sorry, what do you mean, what card? Okay.